और रामपुर से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान किसी से भी अपना मुकाबला नहीं होने की बात कही। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी अपना नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नॉमिनेशन कराने आए हैं, क्या तैयारी है चुनाव की? तैयारी पूरी तैयारी है। आज हमारा नामांकन का डेट है, आज तो नामांकन कराने सब लोग जा रहे हैं और सब कार्यकर्ता हमारे एकजुट होकर सब चुनाव लड़ा रहे हैं। किस पार्टी से अपना मुकाबला मान रहे हैं, क्योंकि बसपा हो कांग्रेस हो ये तो मैदान में ही नहीं है चुनाव। नहीं, कौन सी पार्टी से कौन आ रहा है, लेकिन हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा चुनाव है, लाखों वोटों से आप जीत रहे हैं और यहाँ से रामपुर से कमल का फूल खिलाकर यहाँ के कार्यकर्ता भेज रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और क्या वादा आप जनता को देंगे जो अगर जीतते हैं? नहीं, जीतने मैंने पहले भी कहा, ये छोटा सा हमारा जनपद रामपुर है। यहाँ की जो सभ्यता है, जो भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसे कायम करने में मैं काम मदद करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ जो यहाँ रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करने का काम करूँगा। घनश्याम लोधी हैं जो अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ में जो मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख जी हैं, और ये लोग जो है भाजपा प्रत्याशी के साथ में जो है नॉमिनेशन कराने के लिए रामपुर में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को रामपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। कभी आजम खान के करीबी रहे घनश्याम सिंह लोधी ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी। साल 2016 में घनश्याम सिंह लोधी सपा से एमएलसी रहे। इससे पहले भी सपा के समर्थन से कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से 2004 में एमएलसी रहे हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से सपा से निष्कासित किया गया, जिसके बाद घनश्याम सिंह लोधी भाजपा में शामिल हो गए और अब वो प्रत्याशी हो गए हैं लोकसभा चुनाव उपचुनाव के। और भाजपा ने एक बार फिर से आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतार दिया है। निरहुआ ने भाजपा नेताओं के साथ नामांकन किया। इस दौरान निरहुआ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे। निरहुआ ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का दावा किया। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के लिए जब निरहुआ पहुंचे उस दौरान की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, और नामांकन करके जब बाहर निकले तो वो भी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि मुकाबला इस बार आजमगढ़ में काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और बसपा से गुड्डू जमाली मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि निरहुआ 2019 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव से लगभग 2,50,817 वोटों से हार गए थे। और सपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि उपचुनाव में उनकी जीत होगी। तो दावा किया जा रहा है धर्मेंद्र यादव की ओर से कि उनकी ही इस बार जीत होगी। नामांकन करने जब पहुंचे उस दौरान की पहली तस्वीर भी आप देख सकते हैं, तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के उनके साथ में मौजूद रहे, और जब नामांकन करके बाहर निकले उस दौरान की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने काफी सोच समझकर इस नाम को उतारा है, क्योंकि मंथन काफी लंबा चला और मंथन के बाद नामांकन की क्योंकि आखिरी तारीख थी, उससे कुछ देर पहले ही नाम फाइनल हुआ और धर्मेंद्र यादव के नाम पर मोहर लगी। नामांकन उन्होंने कर दिया और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।